रसदार फैशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बना रही हूँ छेने का सैंडविच। पहले आप आलू और बीट को उबाल के रख दीजिए गोटा गोटा। फिर कढ़ाई में सफ़ेद तेल दीजिए, थोड़ा सा हरी मिर्च दीजिए, ग्रेटेड गाजर दीजिए, टमाटर प्यूरी दीजिए। देख के उसको स्वाद अनुसार शिमला नमक दीजिए। उसको फिर फ्राई करते रहिए जब तक उसका पानी नहीं सूखे। तब तक आप बीट और आलू को पीसेस में काट लीजिए। जब टमाटर का पानी सूख जाएगा तब उसमें छेना ग्रेट करके पूरा उसमें दीजिए। फिर पूरा सूखा के उसको फ्राई करते रहिए। फिर ब्रेड के ऊपर आप आलू मक्खन लगा दीजिए पहले। फिर आलू का टुकड़ा, बीट का टुकड़ा दीजिए, ऊपर में छेना का जो फ्राई किया हुआ उसको दीजिए थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा करके। फिर उस तावे में मक्खन दीजिए। फिर एकदम कड़कदार होने तक पावरोटी को सेक लीजिए। गर्मा गर्म खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट है। बच्चे लोगों को टिफिन में भी दे सकते हैं। तब आप उसके ऊपर हरी मिर्च मत दीजिएगा और ऊपर में गोल की गुंडा दीजिए।